अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू डॉक्टर नौशीबा सलमान एंड स्किन सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे, अपनी स्किन का, अपने बालों का ख्याल रख रहे होंगे और एक दूसरे का ख्याल कर रहे होंगे। जी, कैसी गुजर रही हैं आप लोगों की सर्दियाँ और कैसा कैसा मौसम चल रहा है? लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप लोग शेयर करें कि आप लोग किस किस्म के कलर्स जो हैं वो पहनना पसंद करते हैं सर्दियों के मौसम में। तो आज बताएं, जहाँ जहाँ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं वो भी बताएं कि किस सिटी से किस जगह से ज्वाइन किया है, और उसके साथ साथ ये भी बताएं कि आप लोगों को सर्दियों में, विंटर्स में कौन कौन से कलर्स अच्छे लगते हैं, आप क्या कलर्स जो हैं वो पहनना चाहते हैं। बहुत फ़र्क पड़ता है विंटर में, क्योंकि जो वेदर होता है, जो एटमोसफियर होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। आपने देखा होगा कि जो लाइट का इफेक्ट होता है वो भी डिफरेंट आ रहा होता है, और उसी के हिसाब से हमारा मूड डिफरेंट चल रहा होता है। मूड जो है वो कलर्स चेंज करके पहनने से भी डिफरेंट होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे मूड पे भी रिफ्लेक्ट करती हैं और जो हमारा लुक होता है उस पे भी रिफ्लेक्ट करती हैं। तो ज़रूर बताएं कि हमें कहाँ से देख रहे हैं, कहाँ से ज्वाइन किया है, और उसके साथ साथ कि आपको विंटर्स में, सर्दियों के मौसम में कौन से कलर्स पहनना ज़्यादा अच्छा लगता है। चलते हैं आज के टॉपिक पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पिगमेंटेशन। मैं पिगमेंटेशन के ऊपर पहले भी बहुत ज़्यादा वीडियोज़ भी मैं करती रहती हूँ, अभी भी करती हूँ, की भी हुई हैं, वो लगती भी रहती हैं, पोस्ट भी करते रहते हैं दोबारा से उनको। और उसके अलावा मैं लाइव सेशन भी बहुत दफ़ा कर चुकी हूँ पिगमेंटेशन पे, लेकिन फिर भी उसके बारे में इतनी क्वेरीज आती हैं, इतने क्वेश्चंस होते हैं कि फिर मुझे लगना शुरू हो जाता है कि मैं ये कवर नहीं कर सकती। इसका यही तरीका है कि एक दफ़ा इसके ऊपर फिर से लाइव सेशन करें, ताकि आप लोग अपने जो भी क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं वो भी पूछ सकें, आपकी कोई कन्फ्यूजन्स हैं वो भी दूर हो सकें। सबसे पहले तो जो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन है उसके बारे में बात करते हैं, जिसको हम पिगमेंटेशन कह रहे हैं, जिसको हम छाइयाँ कह रहे हैं, जिसको हम मलाज्मा भी कहते हैं, वो है क्या? पिगमेंटेशन, मलाज्मा या छाइयाँ, ये एक पैच की फॉर्म में होगी, ठीक है? ये आपको ना पूरे का पूरा पैच बन के नजर आएगा। कहीं पे भी पिगमेंटेशन होगी तो पूरे का पूरा पैच बना हुआ नजर आएगा। पैच जो है उसको फील नहीं किया जा सकता, उसको देखा जाता है, देखा जा सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन ये एक पैच होगा, ठीक है? जब आपको छोटे छोटे सन स्पॉट्स की तरह या तिल की तरह के स्पॉट्स नजर आ रहे होते हैं तो वो फ्रैकल्स होते हैं। जो पैच होता है जिसको मलाज्मा कहते हैं, छाइयां कहते हैं, वो जो है वो बेसिकली फ्रैकल्स नहीं कहलाते। फ्रैकल्स एक डिफरेंट चीज है और मलाज्मा एक डिफरेंट चीज है। आज हम जिस पे बात कर रहे हैं वो है मलाज्मा या पिगमेंटेशन। हम मलाज्मा या पिगमेंटेशन पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैंने ये क्लियर करने की कोशिश की है कि किसको मलाज्मा, छाइयां या पिगमेंटेशन कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसके होने की कॉजेज, इसकी वजूहात क्या है, इसकी कॉजेज क्या है, क्यों मलाज्मा, पिगमेंटेशन या छाइयां पड़ती हैं। सबसे पहले एक्सटर्नल कॉजेज, यानी कि जो ऊपर से डिफरेंट तरह के कॉजेज, डिफरेंट तरह के फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पिगमेंटेशन, मलाज्मा, छाइयां पड़ सकती हैं, वो क्या है? स्किन के ऊपर गंदी वाली सब स्टैंडर्ड वाइटनिंग क्रीम्स का यूज करना, बार बार सैलून पे जाके फेशियल कराना, क्योंकि जो सैलून के फेशियल्स होते हैं वो जो मर्जी कहते रहें उसमें ब्लीच डली हुई होती है, और ब्लीच आपकी स्किन को जला रही होती है, आपकी स्किन को सेंसिटिव कर रही होती है, उसकी वजह से भी आपको ये हो सकता है। उसके अलावा पूरे फेस से वैक्सिंग करवाना, पूरे फेस से थ्रेडिंग कराना, या फिर स्किन को पॉलिश कराना, क्योंकि जो स्किन पॉलिशेस होती हैं उसमें एक्सफोलिएटर भी होता है जो कि स्किन की ऊपर वाली लेयर को हटाता है, और उसके साथ साथ ब्लीच भी होती है। ये सारे के सारे फैक्टर्स। एक सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो है सन लाइट, सन प्रोटेक्शन या सन ब्लॉक का ना यूज करना, और सन लाइट का एक्सपोजर जो है वो इसकी बहुत बड़ी कॉज है। तो ये तो इसके एक्सटर्नल कॉजेस हैं। अब हम आ जाते हैं इंटरनल कॉजेस। अंदर से आपकी बॉडी में ऐसा क्या हो सकता है जिसकी वजह से आपके चेहरे के ऊपर छाइयां आना शुरू हो जाए? उसमें सबसे पहले जो आएगा वो आता है खून की कमी, यानी कि हीमोग्लोबिन का लो होना। उसके बाद और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे स्किन के लिए या किसी भी बॉडी या बॉडी में किसी भी तरह के जो टिश्यू है उसकी हीलिंग कैपेसिटी के लिए या उसको हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़रूरी है विटामिन B12। वो उसके बाद आ जाता है विटामिन D3। विटामिन D3 जो है
वो इसलिए एसेंशियल होता है कि वो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को, रेजिस्टेंस को बेहतर रखता है. तो जिस वक्त रेजिस्टेंस नहीं है बॉडी में, इम्यूनिटी नहीं है, तो डेफिनेटली स्किन जो है वो, बॉडी की हेल्थ भी खराब होगी और स्किन भी जो है वो जल्दी खराब होगी. इसके अलावा थायराइड हार्मोन एक सेंट्रल हार्मोन होता है, उसको भी ज़रूर चेक करना चाहिए ताकि ये पता चले कि स्किन अजीब तरह से रिएक्ट क्यों कर रही है. इसके अलावा और बहुत सारे डिजीजेज हैं, जैसे अगर लिवर का कोई इशू हो तो उससे भी जो है वो ये हो सकता है, पिगमेंटेशन आने का चांस ज़्यादा होता है. फिर आ जाता है जी हार्मोनल इश्यूज. फीमेल्स में, लड़कियों में या फीमेल्स में, औरतों में बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि पीसीओज होते हैं या वैसे ही जो है वो पीरियड्स, पीसीओज ना भी हो तो पीरियड्स की इरेगुलरिटी होती है. हार्मोनल कोई भी इशू हो सकता है रिप्रोडक्टिव हार्मोन से रिलेटेड, उसके साथ भी यही होगा. इसके अलावा प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी इटसेल्फ कोई डिजीज नहीं है, लेकिन क्योंकि बॉडी में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी चेंज आ जाता है, उसके हॉर्मोन्स में चेंज आ जाता है और उसके साथ साथ आपकी बॉडी जो है वो एक स्ट्रेस में होती है, उसकी वजह से भी जो है वो पिगमेंटेशन आ सकती है. उसके साथ साथ ऐसे बहुत दफ़ा हम कोई ऐसी मेडिकेशन ले रहे होते हैं या पेशेंट कोई ऐसी मेडिकेशन ले रहा होता है जिसकी वजह से सन सेंसिटिविटी, यानी कि जो सूरज की शुआओं के अगेंस्ट सेंसिटिविटी है वो ज़्यादा हो जाती है और उसकी वजह से जो स्किन के ऊपर डैमेज है वो ज़्यादा हो सकता है. जो लिवर के प्रॉब्लम्स हैं उसमें भी यही होता है, वो डायरेक्टली तो कुछ नहीं कर रहा होता लेकिन इनडायरेक्टली जो है वो यही हो रहा होगा और उसी की वजह से फिर पिगमेंटेशन ज़्यादा होती है. तो कोई मेडिसिन जो है या मेडिकेशन जो आप डेली बेसिस पे लेते हैं, रेगुलर बेसिस पे लेते हैं, उसमें भी ऐसी मेडिसिन हो सकती हैं जिसकी वजह से पिगमेंटेशन आ रही है. बहुत सारी ऐसी डिजीजेस हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, जिसमें आपकी स्किन जो है वो नॉर्मल स्किन की तरह बिहेव नहीं करती है. उसके अंदर आपकी डायबिटीज़ या शुगर जिसको कहते हैं वो भी आती है, उसकी वजह से भी आपकी स्किन नॉर्मल बिहेव नहीं करती है. एक और चीज़ भी होती है, बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने हेयर डाई कर रहे होते हैं और जो हेयर डाई है वो लगाते तो आप यहाँ हैं लेकिन वो स्किन के अंदर से ट्रेवल करके जो साइड्स होती हैं उसके ऊपर भी आता है, उससे भी पिगमेंटेशन ट्रिगर हो सकती है, पिगमेंटेशन स्टार्ट हो सकती है. ये थे जी थोड़े से फैक्टर्स. अब मैंने अपनी तरफ से तो सारे के सारे, क्योंकि एक दफ़ा लिख लेती हूँ कि कोई चीज़ मेरे से मिस ना हो जाए, तो मैंने अपनी तरफ से तो सारे के सारे फैक्टर्स या उसकी कॉजेज जो हैं वो पूरी की हैं. मैंने दोनों तरह से आपको सेपरेट करके बताया है, इंटरनल कॉजेज अलहदा बताई हैं, एक्सटर्नल अलहदा बताई हैं. ठीक है, अब आ जाता है कि इसका पता कैसे चलता है कि आपको पिगमेंटेशन है और क्या ये सुपरफिशियल है या डीप है. बहुत आसान तरीका है, जब आप अपनी टू फिंगर्स के दरमियान में स्किन को स्ट्रेच करेंगे तो जो सुपरफिशियल पिगमेंटेशन होगी वो ठीक हो जाएगी, वो लगेगा आपको बहुत लाइट लग रही है जहाँ पे पहले थी. जैसे ये एरिया है, इसको आप स्ट्रेच कर लें, टू फिंगर्स के दरमियान में स्किन को स्ट्रेच कर लें, अगर यहाँ पे पिगमेंटेशन है और डीप है तो डीप पिगमेंटेशन को कुछ नहीं होगा, वो जितनी डार्क है उतनी रहेगी. लेकिन अगर सुपरफिशियल होती है तो वो एकदम से लाइट लगना शुरू हो जाती है, गायब हो जाती है, आपको लगेगा कि ये तो ठीक ही होगी, मैंने खींचा है स्किन को, स्ट्रेच किया है तो ये ठीक हो गई है. तो ये तो तरीका है ये जानने के लिए कि सुपरफिशियल है या डीप है, ये तो आप घर में चेक कर सकते हैं. लेकिन डॉक्टर को अगर पिगमेंटेशन आपको हो या हो जाए, स्टार्ट हो जाए, तो आपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है, क्योंकि डॉक्टर ही आपकी स्किन को एग्जामिन करेगा, आपकी स्किन को एनालाइज करेगा, असेस करेगा, किस किस्म की पिगमेंटेशन है, फैक्टर्स को देख लेगा. अगर टेस्ट की ज़रूरत होगी ब्लड टेस्ट की तो वो ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं. उसके बाद बारी आती है कि सबसे पहले क्या किया जाता है. ऑफकोर्स सबसे पहले एग्जामिनेशन, एनालिसिस, असेसमेंट, और उसके बाद अगर ब्लड टेस्ट की ज़रूरत हो, ब्लड केमिस्ट्री चेक करनी हो तो वो भी कर लेते हैं. उसके साथ साथ जो है वो फिर हम स्टार्ट करवाते हैं आपको एप्लीकेशंस. बहुत सारी गलत प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे साफ स्टैंडर्ड वाइटनिंग क्रीम्स लग रही हैं, साथ ही आप पूरे के पूरे फेस से जो है वो ब्लीच करा लेते हैं, साथ ही आप वैक्सिंग कराते हैं, थ्रेडिंग कराते हैं या फेशियल्स कराते रहते हैं, तो ऐसे करने से तो फिर पता नहीं क्या क्या कुछ हो सकता है. तो ये तो हम सिर्फ पिगमेंटेशन की बात कर रहे हैं. तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपको बताई जाती हैं, डूज एंड डोंट्स, कि ये करने से पिगमेंटेशन ज़्यादा हो सकती है, ये आप बंद कर दें और ये आप कर सकते हैं. उसके बाद फिर आ जाता है कि हम आपको एप्लीकेशन से स्टार्ट कराते हैं. डिफरेंट तरह के एप्लीकेशंस होते हैं, डिफरेंट फार्मूलाज, डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स जो कि दिए जाते हैं, जिसके अंदर ग्लूटाथायोन भी है, जिसके अंदर अल्फा एल्ब्यूटीन भी है, उसके अलावा ग्लाइकोलिक एसिड भी है, उसके अलावा कोजिक एसिड भी है, फिर नायसिनामाइड भी है, ऐसे बहुत सारे, विटामिन सी भी है, ऐसे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हम एप्लीकेशंस के फॉर्म में स्टार्ट करवाते हैं.
इसके अलावा टायरोसिनेज इनहिबिटर्स जो है वो भी है, क्लिगमैन्स फॉर्मूला जो है वो भी है, अभी मैं आपको थोड़ा दिखाती भी जाऊंगी, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हम यूज करवाते हैं। तो सबसे पहला काम जो होता है वो हमारा एप्लीकेशन से होता है, उसके बाद खाने वाली मेडिसिन। अब देखें, अगर तो आपकी पिगमेंटेशन सुपरफिशियल है तो फिर तो ये चीजें काम करेंगी, अगर आपकी पिगमेंटेशन डीप है तो फिर लगाने वाली चीजें खाली, खाने वाली चीजें काम नहीं करती हैं। उसके लिए डीप पिगमेंटेशन के लिए ऑलमोस्ट ऑलवेज जो है वो प्रोसीजर रिक्वायर्ड होता है, डिफरेंट तरह के प्रोसीजर्स किए जाते हैं। इन माय ओपिनियन, मैं सिर्फ अपना सजेशन आपको बता रही हूँ कि मैंने ये देखा है कि जो स्किन टाइप्स हैं, जैसे हमारे यहाँ जो ज़्यादातर आती हैं वो स्किन टाइप 4 होती है, स्किन टाइप 5 होती है, और ऊपर से उसके ऊपर पिगमेंटेशन होती है। ज़्यादातर लोगों ने गंदी क्रीम, सब स्टैंडर्ड वाइटनिंग क्रीम्स भी यूज़ की हुई होती हैं, स्किन बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव, बहुत ही ज़्यादा पतली हुई भी होती है, सारे के सारे अंदर से कैपिलरीज वेसल्स जो हैं वो नज़र आ रहे होते हैं। तो स्किन जो है उसका स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, उसके डूज एंड डोंट्स जो हैं वो पहले, और साथ में स्किन को प्रिपेयर करने के लिए आप लगाने वाली चीज़ें एप्लीकेशंस जो हैं वो दे देते हैं। मेरा ये ख्याल है या मेरा अपना ये सजेशन है कि बिल्कुल इनिशियल थेरेपी से स्टार्ट करना चाहिए। तो इनिशियल थेरेपी जो है वो डिफरेंट तरह की हो सकती है। अगर तो आपकी स्किन जो है वो स्टेबल नहीं है तो पहले उसको स्टेबल करने के लिए रेड लाइट बहुत अच्छी होती है, क्योंकि अगर उसमें टेम्परेचर सेंसिटिविटी है या वो बहुत ही ज़्यादा थिन हो चुकी हुई है क्योंकि आप सब स्टैंडर्ड वाइटनिंग क्रीम्स लगाते रहे हैं, तो वो उन चीज़ों से हटाना और हटाने के बाद स्किन को स्टेबल करना बहुत ज़रूरी है। तो जो हमारे प्रोसीजर्स हैं उसके अंदर डिफरेंट तरह के प्रोसीजर्स यूज़ किए जाते हैं, उसके अंदर डर्मा रोलर है, उसके अंदर जो है वो पीलिंग्स हैं, केमिकल पील्स जिनको कहते हैं, इसके अलावा जो है वो लेज़र्स को यूज़ किया जाता है, इसके अलावा मीज़ोथेरेपी है। तो ऐसे सारे के सारे प्रोसीजर्स जो हैं वो क्लिनिक में किए जाते हैं, और ऑब्वियसली इनके मल्टीपल सेशंस करने पड़ते हैं, ये कोई सिंगल सेशन ट्रीटमेंट नहीं होता फॉर पिगमेंटेशन। तो ये मैंने कुछ आपको ट्रीटमेंट्स बताए हैं जो कि आप क्लिनिक से करवाते हैं, इसमें मीज़ोथेरेपी है, इसमें डर्मा रोलर है, इसमें केमिकल पीलिंग्स हैं, और उसके अलावा लेज़र्स तो हैं ही। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो बता रही हूँ मैं आपको, आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, शेयर कर रही हूँ, उसका मकसद सिर्फ यही है कि आपको ये बेहतर तरीके से समझ आ जाए कि अगर तो आपकी डीप पिगमेंटेशन है तो वो चीज़ें लगाने से नहीं जाती है, उसका प्रॉपर एग्जामिनेशन, उसका एनालिसिस, और अगर उसके कोई इंटरनल कॉजेज हैं तो उनको देखना बहुत ज़रूरी है, और फिर उसके साथ साथ अप्रोप्रिएट रिक्वायर्ड प्रोसीजर करना भी उतना ही ज़रूरी है। ये कोई वन टाइम प्रोसीजर नहीं है, और पिगमेंटेशन को ठीक करना आसान नहीं होता। मैं डीप पिगमेंटेशन की बात कर रही हूँ, सुपरफिशियल को काफ़ी आसानी से आप उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन डीप पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए करने वाले को जो ट्रीटमेंट कर रहा है, जो ट्रीटमेंट करा रहा है, दोनों को पेशेंस रखना पड़ता है, रेगुलरिटी रखनी पड़ती है, और तभी आप इससे अपनी जान छुड़वा सकते हैं, ठीक है। मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स दिखाने वाली हूँ। प्रोडक्ट्स दिखाने का मकसद यहाँ पे ये नहीं है कि आप घर के अंदर ये प्रोडक्ट्स खरीद लें और इनको लगाना शुरू कर दें, ये सिर्फ खाली एक आइडिया, एक ओवरलुक देने के लिए कि अच्छा ठीक है, आपको पता हो कि इस किस्म के इन्ग्रीडियंट्स या इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो यूज़ करवाई जाती हैं। ये देखें, मैं आपको इसमें ये प्रोडक्ट दिखाने वाली हूँ, ये दो तरह के हैं, एक जो है वो डे टाइम के लिए है और एक नाइट टाइम के लिए है। तो जहाँ पे आपको मेलास्मा है ये वहाँ लगाने के लिए, ये पूरे फेस पे नहीं लगाया जाता, ये डे टाइम के लिए है और ये नाइट टाइम के यूज़ के लिए है। तो ये दोनों जो है हम इकट्ठे भी देते हैं, नहीं तो फॉर्मूला चेंज करके भी दिया जाता है, ठीक है। सिर्फ खाली स्पॉट्स पे इसको लगाना होता है। एक बात याद रखें, आपकी पिगमेंटेशन कभी ठीक नहीं होगी या ठीक हो ही नहीं सकती, चाहे आप कोई प्रोसीजर करवा लें, चाहे कुछ भी करा लें, अगर आप सन प्रोटेक्शन नहीं रखते। तो सन प्रोटेक्शन तो मस्ट है। उसके बाद मैं आपको एक और फॉर्मूलेशन दिखा रही हूँ। इस फॉर्मूलेशन को देखें, इसके अंदर एक्सफोलिएंट भी डला हुआ होता है और उसके साथ साथ जो है वो एंटी पिगमेंट्री मेडिसिन भी डली हुई होती है। सीरम फॉर्म में है, सिर्फ खाली स्पॉट्स पे और सिर्फ खाली नाइट एप्लीकेशन के लिए यूज़ कराया जाता है। अब मैं आपको एक और सीरम दिखा रही हूँ, इसके अंदर भी एक्सफोलिएंट भी है, इसके अंदर पीलिंग एजेंट भी है, एक्सफोलिएंट तो नहीं, पीलिंग एजेंट कह लें, इसके अंदर पीलिंग एजेंट है और उसके साथ साथ ब्राइटनिंग भी है, ब्राइटनिंग एजेंट या ब्राइटनिंग इंग्रेडिएंट भी है, ताकि जो स्किन है, जो आपकी खराब स्किन है, उसको पील ऑफ करने के साथ साथ ये उसको लाइट कर सके। फिर मैं आपको जैसे कह रही थी कि एक क्लिगमैन फॉर्मूला होता है, क्लिगमैन फॉर्मूला जो है उसके अंदर तीन डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स एक साथ डले हुए होते हैं, इसके अंदर रेटिनॉल भी डला हुआ होता है। तो प्रिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट्स हैं, ये आपके घर में लेके यूज़ करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए नहीं है।
ये भी सिर्फ खाली रात को लगाया जाता है, प्रिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट है, जब तक आपको प्रिस्क्राइब ना किया जाए आप खुद से ना लगाएं। फिर मैं आपको एक और फॉर्मुलेशन दिखा रही हूँ, ये भी सिर्फ खाली स्पॉट्स पे और नाइट टाइम में यूज़ किया जाता है। इसके अंदर बेसिकली अल्फा आरबुटिन है, नायसिनमाइड है, एस्कॉर्बिक एसिड है, और जो फॉर्मूला है बहुत ही माइल्ड सा है और ज़्यादातर जो है वो स्किन को तंग नहीं करता। अभी तक मैंने आपको जितने फॉर्मूलाज दिखाए हैं वो स्किन को इरिटेट नहीं करते हैं। उसके बाद मैं आपको ये दिखा रही हूँ टायरोसिनेज क्या कहते हैं इनहिबिटर, और ये भी बहुत अच्छा है। इसके अंदर कोजिक एसिड भी डला हुआ है, इसके मेन इंग्रेडिएंट्स में कोजिक एसिड भी है। तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो हैं ये प्रिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन आपके साथ डिस्कशन करते करते शेयर करना इसलिए ज़रूरी होता है कि आप अच्छी तरह समझ सकें कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं और आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, ताकि आप अपनी पिगमेंटेशन से लड़ाई कर सकें। अब मैं आपको जो हम खाने के लिए देते हैं, देखिए अगर तो कोई इंटरनल डेफिशिएंसी है तो उस डेफिशिएंसी को ख़त्म करने के लिए जो मेडिकेशन जो सप्लीमेंट चाहिए वो तो देना ही देना है, लेकिन पिगमेंटेशन को ख़त्म करने में हेल्प करने के लिए ग्लूटाथायोन बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छी सपोर्टिव मेडिसिन है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है, ये कैप्सूल फॉर्म में है। फिर एक और दिखा रही हूँ, ये जो है ये बेसिकली टैबलेट की फॉर्म में है। अब मैं आपको एक और दिखा रही हूँ, ये भी जो है ये टैबलेट की फॉर्म में है। अब मैं आपको एक और दिखाने वाली, दो और दिखा रही हूँ, ये दोनों जो हैं ये बेसिकली क्या कहते हैं टैबलेट्स की फॉर्म में हैं, एक ये है और एक ये है। जब हम ग्लूटाथायोन को, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट है, जब हम ग्लूटाथायोन को यूज़ करवाते हैं एंड पिगमेंटेशन को ख़त्म करने के लिए, मलाजमा या छाइयों को ख़त्म करने के लिए, तो डेफिनेटली उसकी उसको खिलाने का एक ख़ास तरीका होता है और डोज होती है, अदरवाइज फिर वो आपकी पिगमेंटेशन को हेल्प नहीं करता। ठीक है, तो वो जिस तरह से आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे आप स्पेसिफिकली उसी तरह से खाएं। चलें जी, अब हम साथ साथ आपके क्वेश्चंस, आपकी क्वेरीज देखते हैं। जी इलीन सलमान ने हमें ज्वाइन किया है, उसके बाद मोहिबुल्ला असद ने हमें ज्वाइन किया है, आयशा वरिया ने ज्वाइन किया, कह रही हैं हेलो डॉक्टर, हेलो टू यू टू। अवीन सैयद कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, हाउ आर यू, आई एम फाइन, आई एम गुड, आप कैसी हैं। उसके बाद फॉरएवर क्वीन बेनजीर ने ज्वाइन किया है, उसके बाद वर्दे जहरा ने ज्वाइन किया है, उसके बाद अवीन सैयद कह रही हैं आई एम गुड, गुड टू सी यू। जी बहुत अच्छी बात है, मैंने तो आपको बताया कि मैं तो मिस करना शुरू कर देती हूँ और मेरा दिल नहीं भरता कि मैं बातें करती रहूँ, और भी बातें करने को दिल चाहता है, लेकिन फिर अपना टॉपिक जो है उस पर भी बात करने ज़रूरी होता है। एक के जन्नत कह रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अब्दुल्ला जलानी नहीं, अब्दुल्ला जलील, गलत नाम ले रही हूँ मैं, अब्दुल जलील जाने खैर इन्होंने ज्वाइन किया है। उसके बाद आयशा वरी टेन कह रही हैं एक्नी के लिए कुछ बताएं प्लीज़। अच्छा, एक्नी के लिए मैंने बहुत दफ़ा बहुत वीडियोस और आपको भी बताती रहती हूँ, रील्स भी बनाती रहती हूँ कि ये फोर स्टेप्स हैं जो कि एक्नी प्रोन या जिनको एक्टिव एक्नी है वो ये ज़रूर करें, और मैं लाइव सेशंस भी करती हूँ, बट ऑब्वियसली आई कैन अंडरस्टैंड एक्नी का इशू जो है वो इतना कॉमन है कि शायद बार बार भी करते रहें इसके ऊपर, इस टॉपिक पर बात तो भी कम है। तो एक्नी के लिए कुछ बताएं, आपने याद रखना है कि आपने तीन चार चीज़ें अपनी डेली रूटीन में रखनी है। नंबर वन पे आएगा जी क्लेंजिंग, नंबर टू पे आता है सूटेबल फेस वॉश, सूटेबल क्लेंजिंग, सूटेबल फेस वॉश, फिर आता है मॉइस्चराइजर, और फिर आता है जी आपका सनब्लॉक। ये चार चीज़ें आपने अपनी रूटीन में रखनी है, इनको ना छोड़ें। कभी भी कोई ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट फेस पे यूज़ ना करें, और कभी भी ऑयल जो है वो अपने सर पे यूज़ ना करें, तो इससे बहुत आसानी रहेगी आपकी स्किन जो है वो, चलो मुझे नहीं पता आपकी एक्नी कितनी है, लेकिन कम से कम मजीद ख़राब नहीं होगी अगर आप ये चार स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करते हैं और फिर उसको कंटिन्यू रखते हैं। तो एक्नी फुली ट्रीटेबल है, आप बड़ी आसानी से डॉक्टर के पास जा सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं और एक्नी से अपनी जान छुड़ा सकते हैं। उसके बाद आता है अलिशबा खान 14 कह रही हैं डॉक्टर वेल्वेट आइज़ का सूटेबल का सब्सिट्यूट बता दें। यार वेल्वेट आइज तो कॉलेजन वाला है, उसका क्या मैं आपको बताऊंगी सब्सिट्यूट, क्योंकि कॉलेजन का सिरम है बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें कॉलेजन की जो है वो अवेलेबल नहीं होती हैं, तो मैं तो फिर आपको यही मशवरा दूंगी कि आप इसी को यूज़ करें तो अच्छा है, नहीं तो फिर अगर आप ये नहीं यूज़ कर सकते तो फिर हाइलुरोनिक एसिड की कोई अच्छी क्रीम जो कि फिलर वाली होती है, एंटी रिंकल क्रीम, वो आप यूज़ कर सकते हैं। सबा खान 5911 ने ज्वाइन किया है, फातिमा जहरा ने ज्वाइन किया है, आयशा चौधरी 70 कह रही हैं हाउ टू गेट फ्लोइंग स्किन टेल अस सम होम रेमेडीज। आई थिंक ग्लोइंग स्किन पूछ रही है ना आप,
देखिए होम रेमेडीज बताने में कोई हर्ज नहीं होता, लेकिन उससे ये होता है कि मैं तो एक जनरल बात कर रही हूँ, हो सकता है आपकी स्किन के लिए वो ना हो, तो आप ट्राई करें कि आप सेफ प्रे करें। अगर आपको होम रेमेडी चाहिए कि बड़ी कोई ग्लोई सी स्किन लग रही है, तो उसके अंदर आप ये कर सकते हैं कि आपने एकदम से डल स्किन को अच्छा करना है तो आप थोड़ा सा पानी लें, गर्म लेने की जरूरत नहीं है, उसके अंदर थोड़ी सी कॉफ़ी मिक्स करें, उसको कॉटन से जो है वो अपने फेस पे लगा दें, 10 मिनट्स लगा रहने दें, चलो 12-15 मिनट्स लगा रहने दें, उसके बाद उसको उतार दें, तो आपको लगेगा कि आपकी स्किन जो है वो एकदम से फ्रेश हो गई है, कोई टायर्ड लुक नहीं है, बिल्कुल फ्रेश लग रही है। ठीक है, वलीद मलिक 999 ने ज्वाइन किया है। अलिशपा खान कह रही हैं, डॉक्टर ग्लोइंग स्किन के लिए कोई सीरम बता दें। यार बहुत अच्छे अच्छे सीरम्स अवेलेबल हैं, ग्लो करने के लिए स्किन का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है, तो उसकी एक रूटीन होनी चाहिए, एक आपकी स्किन रिजीम होनी चाहिए जिसको आप फॉलो करें। विटामिन सी के जो सीरम्स हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो है वो अच्छे वाला मॉइस्चराइज़र, सूटेबल वन अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप, वो होना चाहिए। उसके साथ साथ एक अच्छी नाइट रिजीम होनी चाहिए। नाइट रिजीम में जो है वो एक वाइटनिंग वाली या एक ब्राइटनिंग वाली स्किन क्रीम जो है वो होनी चाहिए, और एक अच्छा सीरम होना चाहिए। रात वाला सीरम जो है वो हाइलुरोनिक एसिड भी हो सकता है, एर्बिटिन वाला भी हो सकता है, दोनों का मिक्सचर भी आता है, अवेलेबल है। तो ऐसे बहुत अच्छे अच्छे सीरम्स हैं। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एक आपकी डे रिजीम और एक आपकी नाइट रिजीम, ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये होगी तो आपकी स्किन क्यों ग्लो नहीं करेगी, बिल्कुल ग्लो करेगी। उसके बाद टिपिकल बॉसी ने ज्वाइन किया है। फिर मारियम खान कह रही है, आई हैव सम लाइंस, आई डोंट नो इट इज़ रिंकल और फाइन लाइंस, प्लीज टेल एंड विच प्रोडक्ट आई अप्लाई टू रिमूव इट। अगर हल्की फुल्की लाइंस या थोड़ी सा कोई रिंकल का कोई इशू आपको लग भी रहा है, तो आप कोशिश करें कि आप रिंकल वाली, एंटी रिंकल या फिलर वाली क्रीम्स आती हैं, एक्सपेंसिव होती हैं, लेकिन देखें बहुत ज़्यादा नहीं लगती है, इतने से एरिया पे कितना यूज़ होना होता है उसको। तो अगर आप एक दफ़ा ले लेंगे अच्छी वाली क्रीम जो कि वाकई इफेक्टिव है, काम करती है स्किन के ऊपर, तो बहुत आसानी हो जाएगी आपको। तो उसमें ये है कि अच्छी वाली जो है वो एंटी रिंकल या फिलर वाली क्रीम लें। अगर आप चाहते हैं तो आप क्लिनिक से भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जो भी अवेलेबिलिटी ऑफ क्रीम्स है, और अगर थोड़ी सी एक्सपेंसिव तो ये आपको लगेगी, लेकिन काम करती होगी। तो वो ज़रूरी चीज़ ये है कि हमारा काम होना चाहिए, जब हम जिस चीज़ के लिए लगा रहे हैं तो उसका रिजल्ट होना चाहिए। तो वो आप हाइलुरोनिक एसिड वाली या फिर फिलर वाली क्रीम्स जो हैं वो लेके लगा सकते हैं। एक जन्नत कह रही है, इस्लामाबाद से हैं, ओके जी आपने ये नहीं बताया कि आपको कौन से कलर्स अच्छे लगते हैं विंटर्स में पहनना। आयशा चौधरी 70 कह रही ग्लोइंग, जी आयशा मैंने आपको आंसर कर दिया है। उसके बाद मिस चैनल खान कह रही हैं, हेलो डॉक्टर ज्वाइनिंग फ्रॉम नीदरलैंड्स। अच्छा जी वेलकम, और आप ही बताइए कि आपको तो खैर बहुत ज़्यादा ही सर्दी मिल जाती है, किस किस्म के कपड़े पहनना पसंद करते हैं? इनडोर्स तो आपके कलर्स नज़र आ सकते हैं, बाहर तो फिर जैकेट्स और वो पफर जैकेट्स और फिर इतने बड़े बड़े कोट्स में बहुत सारे कलर्स नहीं नज़र आते, लेकिन मज़ा आता है सर्दियों में कलरफुल कपड़े पहनने का, तो आप भी ज़रूर बताइए। उसके बाद अदीला असकर 47 ने ज्वाइन किया है, आतिफ इरम ने ज्वाइन किया है, कोमल अमीर मेकअप स्टूडियो ने ज्वाइन किया है, मारियम खान कह रही हैं, डिफरेंस बिटवीन कंडीशनर एंड लीव इन कंडीशनर। जो लीव इन कंडीशनर होता है उसको आप उस वक्त लगाते हैं, गीले बाल होते हैं आपके, जब आप शावर लेके कपड़े पहन के ड्रेसअप हो चुके हुए होते हैं। जो लीव इन कंडीशनर्स हैं उनको वॉश नहीं करना पड़ता, उनको रिंस नहीं करना होता, तो आप अपने गीले बालों में सब कुछ जब आपने कर लिया हुआ है, अब आप फारिग हो गए हैं, तो आप उसको लगा के छोड़ देते हैं। जो नॉर्मल दूसरे कंडीशनर्स होते हैं उनको शैम्पू के बाद लगाया, शैम्पू को रिंस ऑफ करके फिर लगाया जाता है, और उसके एक्सेस को रिमूव किया जाता है विद वाटर, सिर्फ एक्सेस रिमूव किया जाता है, उसको शैम्पू की तरह ऐसे ऐसे करके सारे का सारा निकाला नहीं जाता, ठीक है। तो जो लीव इन कंडीशनर्स होते हैं उनके बाद पानी यूज नहीं किया जाता, बालों को रिंस नहीं किया जाता, उनका एक्सेस या उनको निकाला नहीं जाता। लेकिन जो नॉर्मल कंडीशनर्स होते हैं, जो शैम्पू के बाद जब आप रिंस करने के बाद कंडीशनर लगाएंगे, तो उसका एक्सेस आपने सिंपल प्लेन वाटर से रिंस करना होता है। अवीन सैयद कह रही हैं, फैसलाबाद जी कैसा है फैसलाबाद, और ये भी बताएं कि वहाँ पे मौसम कैसा है। एक जन्नत कह रही हैं, कलर्स सभी जी, कलर्स तो जितने कलर्स हो ना मुझे लगता है बस मज़ा आ जाता है। जब आपके पास कलर्स, जो आप ब्लॉक कलर्स पहनते हैं या सिंगल कलर्स पहनते हैं, तो फिर आप मिक्स एंड मैच करके भी पहनते हैं और वो बहुत अच्छे लगते हैं। उसके बाद जी वलीद मलिक 999 कह रहे हैं, मैम ग्रे हेयर्स के लिए कुछ बता दें, मेरी एज 23 है।
और ग्रे हेयर्स जो नेचुरली आपके ग्रे हो रहे हैं, आपकी ग्रेइंग है, अर्ली एज ग्रेइंग है, नहीं जाता, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते. लेकिन ये मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि आप अपना केमिकल इन्फ्लक्स जो है वो कम कर दें. केमिकल इन्फ्लक्स किन चीज़ों से होता है? आप कोशिश करें कि आप सल्फेट फ्री शैम्पूज यूज़ करें, आप कोशिश करें कि आप ऐसे ज़्यादा जो जैसे सिरम्स हैं लगाने वाले, जेल्स हैं, पट्टीज हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो कि आप हेयर स्टाइलिंग के लिए यूज़ करते हैं वो आप कम से कम कर दें. और कोशिश करें कि आप कलर सेफ या फिर जो सल्फेट फ्री शैम्पूज होते हैं, कंडीशनर्स होते हैं, वो यूज़ करें. अलिश्पा खान कह रही हैं इवन टोन और ग्लो के लिए कुछ बता दें प्रेगनेंसी में यूज़ हो सके. आप क्या कहते हैं, ड्यू टू यूज़ कर लें, डार्क आउट यूज़ कर लें, क्रीम है दोनों, डार्क आउट क्रीम भी बहुत अच्छी है, ये मॉर्निंग में भी आप यूज़ कर सकते हैं अंडर योर सन ब्लॉक, यानी कि पहले क्रीम लगेगी फिर ऊपर सन ब्लॉक लगाएं, और उसी तरह से ड्यू टू, और एक दफ़ा रात को लगा लें. ड्यू टू जो है वो भी आप इसी तरह यूज़ कर सकते हैं कि सन ब्लॉक लगाने से पहले सुबह के टाइम ऊपर से सन ब्लॉक लगा लिया इसको लगा के, और एक दफ़ा रात को. हाथ आपने ज़रूर वॉश करने हैं लगाने के बाद, प्रोडक्ट जो भी यूज़ कर रहे हैं आप अपने फेस पे, अपनी स्किन पे, उसके बाद हैंड्स को ज़रूर वॉश करें, ठीक है? तो सेफ है प्रेगनेंसी में, ये दोनों आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं. निम्रा 783 ने ज्वाइन किया, शुमाइला राना 30 ने ज्वाइन किया है. उसके बाद मारियम खान कह रही हैं हाउ टू लाइटनिंग आवर फ्रंट नेक एंड बैक नेक. मैंने बार बार बताया हुआ है जो फ्रंट ऑफ नेक है उसके साथ आपने वही सलूक करना है जो आप अपने फेस की स्किन के लिए करते हैं. जो फेस पे लगाएं, चाहे वो डे रूटीन है, नाइट रूटीन है, वही चीज़ आपके फ्रंट ऑफ नेक पे लगेगी. लेकिन जो बैक ऑफ नेक है, बैक ऑफ नेक के ऊपर आपने वो करना है जो आप हैंड्स पे, आर्म्स पे या फीट पे करते हैं. तो ये बहुत ईजी फॉर्मूला है. जो आप हाथों के लिए, पाँव के लिए या बाजुओं पर लगाते हैं वो आप बैक ऑफ नेक पर रखेंगे. जो फ्रंट ऑफ नेक है, जो आप फेस के लिए यूज करेंगे, जो भी है, आपका फेस वॉश है, आपका मॉइस्चराइजर है, आपकी डे क्रीम है, नाइट क्रीम है, सनब्लॉक है, वो सब कुछ आपने अपनी फ्रंट नेक के साथ करना है, ठीक है? उसके बाद अदील असफर 47 कह रहे हैं लाहौर एंड ब्लैक. ब्लैक तो जी आप बाहर में पहने, खजा में पहने, आप सर्दी में पहने, गर्मी में पहने, वो तो कभी आउट ही नहीं हो सकता. ब्लैक जैसा तो कोई कलर ही नहीं है. कुछ भी उसके साथ मिक्स एंड मैच कर लें, सिल्वर, गोल्ड, उसके बाद ब्राइट कलर्स, लाइट कलर्स, जो मर्जी. और कुछ नहीं तो आप उसको सिंपल ब्लैक को यूज कर सकते हैं. मारियम खान कह रही है वी कैन यूज हाइमेरा फेस स्प्रे इन विंटर एंड समर बोथ, इट डू गिव अस एक्नी. नहीं जी, इसमें ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो आपके पोर्स को क्लॉक कर सके. ये तो इतनी मजे की स्प्रे है कि जिस वक्त आपने मेकअप किया हुआ है या फेस पे कुछ लगाया हुआ है, डे रूटीन की भी है, उसके कुछ जैसे सर्दियां हैं तो 3 घंटे के बाद आपको लगे कि मेरी स्किन, मुझे लग रहा है कि फिर थोड़ी ड्राई हो रही है, आप फटाफट इसको उठाएं और सब चीज़ों के ऊपर से इसको यूज़ कर लें, ये तब भी आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगी. बिल्कुल भी एक्ने नहीं देती है, किसी भी स्किन पर एक्ने नहीं दे सकती है. गर्मियों में, सर्दियों में आप इसे दोनों सीजन्स में यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद आई नू 14 कह रही है सलाम मैम, होप यू आर फाइन, यू आर एन अमेजिंग एंड डाउन टू अर्थ डॉक्टर. माय क्वेश्चन इज क्या प्रेगनेंसी में मीजो ले सकते हैं पिगमेंटेशन के लिए? थैंक यू वेरी मच फॉर द एप्रिसिएशन. जी आप प्रेगनेंसी में भी ट्रीटमेंट करा सकते हैं, क्योंकि मीजोथेरेपी जो है वो विद इन स्किन रहती है तो हमें कोई इशू नहीं होता. और फिर भी देख लूँगी मैं, तो फिर मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा कि मैंने देखने के बाद और प्रॉपर असेसमेंट के बाद आपको जो है वो बताया है या गाइड किया है. एनी हाउ आप पूछ रही हैं तो प्रेगनेंसी में सेफ है. इवन आप लेजर के ट्रीटमेंट्स भी करा सकते हैं फॉर पिगमेंटेशन, वो भी प्रेगनेंसी में सेफ है, क्योंकि हम सिर्फ उसी जगह पे और स्किन के अंदर हैं और कहीं नहीं जा रहे. वो लेजर की रेस जो है वो सिर्फ अपने टारगेट में जाती हैं. तो आप मीजोथेरेपी भी करवा सकते हैं, लेजर के ट्रीटमेंट्स भी करा सकते हैं, ये दोनों चीजें जो हैं वो सेफ हैं इवन प्रेगनेंसी में भी. उसके बाद नूरा अफंदी ने ज्वाइन किया है, उसके बाद कश्माला इमरान ने ज्वाइन किया है. नूरा अफंदी कह रही हैं हाय, हाय टू यू टू. अदील असगर कह रहे हैं डार्क सर्कल्स को रिमूव करने का बेस्ट तरीका. ना डार्क सर्कल्स जो है ना उनके लिए, अगर तो वो बहुत प्रोनाउंस्ड होते हैं तो डेफिनेटली फिर सिर्फ खाली लगाने वाली चीज़ें काम नहीं करती हैं, उसके साथ साथ जो है वो कोई प्रोसीजर भी करना पड़ता है. देख के ज़्यादा अच्छा बताया जा सकता है, लेकिन क्लिनिक के ऊपर जो प्रोसीजर्स किए जाते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन थेरेपी भी है, उसके अंदर जो है वो सीरम इन्फ्यूशंस भी हैं, और इसके अलावा इंजेक्शंस भी यूज़ किए जाते हैं. तो ये तो मैंने आपको इन जनरल बता दिया है. बाकी ये है कि डार्क सर्कल्स को ठीक करना ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन एप्लीकेशंस को कंटिन्यू रखें. ये ना सोचें कि अच्छा इसको यूज़ नहीं करते,
कोई बात नहीं है तो इफेक्ट ही नहीं कर रहा, लगे रहें, करते रहें उसको यूज। इसके लिए कैफीन वाले सीरम्स बहुत अच्छे रहते हैं, उसके अलावा विटामिन सी के सीरम्स जो हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। और इसके साथ साथ अगर सिर्फ खाली पिगमेंटेशन है अराउंड आईज तो उसके लिए एंटी पिगमेंट्री आई क्रीम्स भी अवेलेबल हैं। एके जन्नत कह रही है मैम डाइट प्लान, यार डाइट प्लान किस किस्म का, आप किस चीज के लिए पूछ रहे हो कि क्या खाना चाहिए या स्किन के लिए क्या अच्छा होता है डाइट में, ये पूछ रहे हो आप? अगर आप थोड़ा सा एलैबोरेट करोगे तो मैं उसके ऊपर एक सेशन भी कर लूंगी, क्योंकि ये तो लंबी चीज है, इसके ऊपर तो ढेर सारी बातें हो सकती हैं, तो आप थोड़ा एलैबोरेट कर लो फिर उसको मैं फॉलो कर लूंगी। मरियम खान कह रही है प्लीज टेल एनीथिंग फॉर आईब्रो ग्रोथ, यार जो लैश पे लगता है ना वही सेम चीजें यूज होती हैं आईब्रोज के लिए भी, तो जो लैश पे लगाने के लिए चीज है लैश को रीग्रो कराने के लिए या लैश की हेल्थ के लिए जो भी चीज है वही आप आईब्रोज के ऊपर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अवीन असद कह रही सैयद कह रही है कि ब्राउन स्पॉट्स ऑन फीट एंड एंकल्स एंड हैंड्स रिकमेंड, आई हैव यूज्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग एंड आई डिड क्यू स्विच लेजर सेशन एंड केमिकल पीलिंग फ्रॉम लास्ट ईयर, रिकमेंड समथिंग प्लीज। यार चीज़ें आप मिक्स एंड मैच करके ही लगाओगे, मैंने इसके लिए जो है वो जैमसैलिक लोशन भी दिखाया हुआ है, क्योंकि मैंने सेशन किए हुए हैं जिसमें आप डार्क नकल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं या क्या क्या यूज़ किया जा सकता है, तो उसके लिए जो है वो आप जैमसैलिक के नाम से लोशन आता है वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो सैलिसिलिक एसिड बेस है तो वो मोटी और थिक हुई भी स्किन को हटाता है, और फिर आप उसके साथ कोई ब्राइटनिंग वाली क्रीम यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं अल्टीमेट स्किन बताती हूँ, मैं डार्क आउट बताती हूँ, उसके अलावा आईएसआईएस का जो है वो बॉडी मिल्क है वो मैं बताती हूँ, प्रोवामेड का बॉडी मिल्क है वो मैं बताती हूँ, ये सारे की सारी चीज़ें जो बाद में मैंने बताई हैं जैमसैलिक के अलावा वो सारी की सारी जो है वो ब्राइटनिंग करने में हेल्प करती हैं। उसी तरह से ग्लाइकोलिक एसिड की क्रीम जो है वो भी मैं यूज़ कराती हूँ जैमसैलिक की तरह, वो भी यूज़ कराया जाता है ताकि जो डेड स्किन है मोटी वाली डेड स्किन जो है वो हट जाए और चीज़ें जो है वो अंदर एब्जॉर्ब हो सकें बेहतर तरीके से और ब्राइटनिंग हो, वहां पे वाइट कलर जो है वो बेहतर हो जाए, स्किन का कलर बेहतर हो जाए। उसके बाद मरियम खान कह रही है टेल एनी गुड हाइड्रेटिंग हेयर मास्क, जी मैंने पहले वैसे दिखाया भी हुआ, मैं फिर से आपको बताती हूँ कि हाइड्रेशन अगर आपने अच्छी रखनी है बालों की तो उसके लिए डर्मो फ्यूचर का जो है वो हेयर मास्क बहुत अच्छा है, और वो आपने अपने स्कैल्प पे और लेंथ ऑफ दी हेयर दोनों पे लगाना होता है। इसके साथ साथ जो है वो कैराटॉक्स के भी बहुत अच्छे कैरेटिन वाले या कैराटॉक्स के जो है वो बहुत अच्छे मास्क जो हैं वो अवेलेबल हैं, इसमें 3 मिनट मेडिकल मास्क भी अवेलेबल है, वो भी बहुत अच्छा है, वो कैरेटिन क्योंकि बाल के अंदर इन्फ्यूज कर देता है बहुत जल्दी से 3 मिनट में, इसीलिए उसको 3 मिनट्स मेडिकल मास्क कहते हैं, तो वो भी आपके बालों की हाइड्रेशन को अच्छा करता है, बेहतर करता है और हेल्थ भी अच्छी करता है। तो ये था जी हमारा आज का सेशन, और आज का जो टॉपिक था वो था पिगमेंटेशन, मलास्मा या फिर छाइयाँ। मुझे उम्मीद है कि आपकी बहुत सारी क्वेरीज, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स जो हैं वो क्लियर हुई होंगी, और अगर आपकी इंटरनल कॉज नहीं है और एक्सटर्नल कॉज है तो आपको पता होना चाहिए कि सुपरफिशियल को ट्रीट करने का और तरीका है और डीप मलास्मा या डीप पिगमेंटेशन को ठीक करने का तरीका और है, तो बेटर असेसमेंट होगी, बेटर एनालिसिस होगा तो जो ट्रीटमेंट है वो ज़्यादा अच्छा हो सकेगा। नेवर द लेस जो पिगमेंटेशन है उसको ट्रीट करना लेंथी प्रोसीजर है, लेंथी प्रोसेस होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, पेशेंस रिक्वायर्ड होता है, और ऑब्वियसली जितनी ख़राब हुई होगी स्किन उतना ही उसके ऊपर टाइम और मनी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इसलिए ज़्यादा बेहतर ये होता है कि जब प्रॉब्लम थोड़ी हो उसी वक्त आप दिखा लें ताकि प्रॉब्लम ज़्यादा ना हो और हम उसको टैकल कर लें। तो अपना बहुत ख्याल रखें, सर्दियों को इंजॉय करें और मौसम के साथ साथ जो है वो अपनी सेहत का ख्याल रखें ताकि आप हर मौसम को इसी तरह इंजॉय कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।